भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए आज भी भगवत गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है, इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। इन कुछ भगवत गीता संदेशों पर एक नजर ढालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है।
किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं, वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छा को त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा।